खबर रतलाम तहसील ताल गांव से, जहां पर आक्या कला के अंदर लोग बिजली के बिलों से हो रहे हैं परेशान, जिनकी किसी भी प्रकार की नहीं होती है सुनवाई। लोगों ने विद्युत मंडल में शिकायत करने पर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। एक तरफ तो पानी ना गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बिजली के बिलों को भार को लेते हुए परेशान हो रहे हैं लोग, जिसके घर में ना तो एसी है ना कूलर है। गरीबों को फिर भी हर महीने 5 से 8 हजार रुपए का दिया जाता है बिल। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर लाल सिंह राठौर के साथ। हाँ सर, आपको जो बिजली बिल जो आए इस जून जुलाई महीने में, इसकी क्या समस्या है, इसके बारे में कुछ क्या बता सकते हो आप? क्या बिजली का जो बिल है वो जून महीने मेरा 8,300 कुछ ऊपर रुपया है, जो लगभग 200-300 रुपये आना चाहिए था, वो सबसे ज़्यादा बिल वही है जून महीने का। इसकी वजह क्या, आपके घर में कोई एसी वगैरह कुछ लगा हुआ है ऐसा, क्या पहले भी आता हुआ कि पहली बार आपके साथ हुआ है? नहीं, पहली बार आया, इसके पहले इतना बिल नहीं आया, घर में कोई एसी कोई नहीं है। इसके अलावा ग्राम पंचायत कौन सा गाँव लगता है आपका? ताल के पास आके कला गाँव है रतलाम जिले में। अच्छा, ग्राम पंचायत है कि नगर पंचायत है? ग्राम पंचायत है। तो इसके अलावा आपके आए के गांव में और भी बहुत सारे किसानों की समस्या है, कई लोगों के इस प्रकार से ज्यादा बिल आया जून जुलाई में, और कोई अरूबरू करा सकते हैं अभी आप? और भी मेरे पास में जो लोग हैं उनसे आप बात करें, वो बता देंगे हमको बिल आया कि नहीं आया। बताइए आपकी क्या समस्या है? 4500 रुपये का तो पहले आता था कि नहीं आया, पहले 150 रुपये का आया। घर में एसी वगैरह पंखे वगैरह कुछ ऐसा है? पंखा आया कल। आपकी क्या समस्या है? हमारा 1400। तो हर महीने आते हैं कि इसी महीने आते हैं? महीने 1200 है, हर महीने 1000 से कम नहीं आता। इसकी समस्या लेकर आप कहाँ गए थे क्या? मैं बिल्ली ऑफिस में गया था, तो लाइनमैन साहब से मैंने बोला, मजबूर सिंह जी ने कहा कि भाई सुधार देंगे, अगले महीने आपका बिल कम आएगा और इसकी मीटर भी आके चेंज कर दूंगा, अभी तक कोई आया नहीं ना कोई कार्रवाई हुई। तो इसके बारे में आगे क्या सोचने जाते हैं, क्या प्रक्रिया करने जाते हो आप? मैंने एमपीपी में शिकायत कर दी इसके लिए, और शिकायत पत्र भी वहाँ देके आया हूँ मैं, उसके बाद कोई समाधान हुआ नहीं बिल का। नहीं, तो इसके बारे में क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, क्या चाहते हो? नहीं भाई, जून महीने में इतना बिल आया है, 8-8.5 हजार रुपए, तो एक मैक्सिमम बिल थोड़ी होता है ये, तो कुएं का भी इतना बिल नहीं मिलता है, मोटर चालू 5,000 के मोटर का भी कनेक्शन में इतना पैसा नहीं लगता है जितना घर का बिल आ रहा है, तब बिल का भुगतान कैसे करें? 8.5 हजार रुपये किसको कहते हैं महीने? तो इस समस्या को लेकर क्या ग्रामवासी मिलकर आप बिजली ऑफिस में क्या जाने की कभी सोच रहे हैं, क्या आगे क्या प्रक्रिया आपकी? हाँ जाएंगे, ये समस्या दूर नहीं हुई बिजली ऑफिस द्वारा, मैं ये हिसाब से बात हो चुकी, मैं वहाँ भी गया था, उन्होंने बोला करवा देंगे, समस्या अभी तक हुई नहीं हुई तो हम जाएंगे। आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम रामलाल पंचल है। ठीक, हाँ बताइए आपकी क्या क्षमता, कितना बिजली बिल कितना हुआ है अभी? तो ये इसी महीने आता है, पहले भी आते थे? नहीं, पहले कम आए थे, 1921 आए थे। तो इसकी समाधान के संघर्ष समाधान के लिए आप बिजली ऑफिस में गए थे कि नहीं गए? शिकायत करने किसी शिकायत की नहीं की आपने? नहीं। तो इसके बारे में आगे क्या प्रक्रिया, आपकी शिकायत करना चाहते हैं या नहीं, इसका निराकरण करवाना चाहते हैं या नहीं? सर आपके गांव में करीबन ये कितने बिल होगा जो इसकी ये समस्या ही है, जो किसी के 4,000-5,000 की जो समस्या है, कितने करीबन बिल ऐसे होंगे जो 20-25 लोग से भी अधिक हो सकते हैं, इतने लोग होंगे जिनके ज़्यादा बिल है, जिन घर में एक पंखा नहीं है, जहाँ एक बल्ब और लाइट चल रही है, उनके घर में भी इतने बिल आए, एक मेरी समस्या नहीं है पूरे गाँव वाले की समस्या है इस प्रकार से। ठीक है सर, आपके क्षेत्र में जो गाँव आक्या कला लगता है, उस गाँव में करीबन हमारे पास ऐसा मसला है 40-50 ग्रामीणों के, जो किसी के 6,000-8,000-3200-4500 रुपए का जो बिल आया, जो जिनके घर में पूछने के बाद ना तो एसी है ना कूलर है, उनकी ऐसा क्यों हुआ, कुछ बता सकते हैं इस बारे में आप? पहली बात तो जहाँ पे जिन घरों पे मीटर स्थापित है वहाँ मीटर की रीडिंग से बिल आ रहा है जी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट का रूल अभी चेंज हुआ है पिछले महीने जी, कि 100 यूनिट तक जिन उपभोक्ताओं की खपत है मीटर रीडिंग अनुसार जी, उनको सरल बिल का लाभ दिया जाएगा, और जो 100 यूनिट से ज़्यादा की खपत कर रहे हैं उनको सरल योजना केवल 100 यूनिट तक 100 रुपये है, उसके बाद फिर नॉर्मल रेट से बिल आएगा, इस वजह से बिल ज़्यादा है जी। उनका कहना है कि जो मतलब पहले यूनिट कभी देखने नहीं आए थे, 2 या 3 महीने ऐसे हो गए कभी यूनिट चेक करने भी ना आए, उसके बावजूद भी 8,000-7,000 का बिल जो आ गया है, और उसके बावजूद उनको कहना है कि जो आपके यहाँ शिकायत भी करी उनका कोई भी निराकरण नहीं किया गया है। नहीं नहीं, जिन बिलों में गड़बड़ी है, जैसे रीडिंग पड़ी हुई थी, रीडिंग नहीं ली, तो उनको हम बिल सुधार का काम कर रहे हैं जी। आपका नाम? मनीष कुमार सिंह।
आपके यहाँ कौन से पद पे काम कर रहे हैं?